नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। हिमवत युद्ध, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। यह कहां पर आयोजित किया जाता है, इस बारे में भी अधिकांश लोग जानते ही हैं, लेकिन इस युद्ध की तैयारी में योद्धा क्या क्या प्रयास करते हैं, इस बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो चलिए आज हम दोपहर न्यूज के माध्यम से विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। हर साल दीपावली के दूसरे दिन यानी कि पड़वा को हिंगोट युद्ध का आयोजन इंदौर जिले के गौतमपुरा क्षेत्र में होता है। इस युद्ध को देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के शहरी नहीं बल्कि दूर दराज प्रदेशों से भी लोग आते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस आयोजन का ना तो कोई आयोजक है और ना ही कोई प्रायोजक, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन के स्तर पर सारी तैयारियां की जाती है। इस बार यह पर्व 1 नवंबर को आ रहा है। इस बार भी दो सेनाएं आमने सामने होगी, एक होगी तुर्रा, वहीं दूसरी का नाम है कलंगी। यह दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर जब जलते हुए अग्निबाण जिसे हिंगोट कहते हैं बरसाती है, तो आसमान पर ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों तारे एक साथ टूटकर जमीन पर गिरने जा रहे हैं। लड़ने वाले दोनों ही दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में यह दोनों ही दल आपस में मित्र हैं और मित्रतापूर्ण यह आयोजन है। लेकिन इसे युद्ध का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यह एक तरह का छदम तौर पर खेला जाने वाला युद्ध है और युद्ध कला को ही प्रदर्शित करता है। 1 नवंबर की शाम 5 बजे हिंगोट युद्ध शुरू हो जाएगा। हिंगोट युद्ध की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन किस प्रकार से योद्धा तैयारी करते हैं, कहां से लाते हैं हिंगोट, क्या होता है हिंगोट, इन सब बातों की जानकारी के लिए चलिए हम हिंगोट युद्ध के कुछ योद्धाओं से ही चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष दीपावली के अगले दिन पड़वा पर केवल गौतमपुरा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जाने जाने वाला हिंगोट युद्ध आयोजित होता है एवं तुर्रा और कलंगी दल आमने सामने हो जाते हैं। हिंगोट युद्ध की परंपरा को लेकर के कई किंवदंतियां हैं, कई लोग इसे मुगल कालीन बताते हैं। तो जब मैंने मेरे दादाजी से यह प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे यही उत्तर दिया कि मैंने भी मेरे दादाजी से यही प्रश्न किया था कि हिंगोट युद्ध कब से चला आ रहा है। यह हिंगोट युद्ध बहुत पुराना है और पुरुषों द्वारा संजोई गई इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक वर्ष गौतमपुरा के सभी युवा और प्रौढ़ इस परंपरा में हिस्सा लेकर के तुर्रा और कलंगी के रूप में दलों के रूप में वहां पर पहुंच करके देवनारायण भगवान का मंदिर वहां पर स्थापित है उसका दर्शन करके और एक दूसरे के सामने हिंगोट छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे भारत में विभिन्न परंपराएं प्रचलित है, ठीक वैसे ही हमारे गौतमपुरा का यह हिंगोट युद्ध बेहद खास और रोमांचित होता है। इसी को लेकर के हम सभी योद्धाओं की यह अपेक्षा है सरकार से कि वो विभिन्न इंतजाम दर्शकों के लिए भी करें और योद्धाओं के लिए भी करें। हिंगोट बनाने के लिए समथिंग दिवाली नोटा से चालू होते हैं, नोटा से लगना पड़ता है दिवाली के 25-25 दिन पहले। दिवाली के दूसरे दिन जो पड़वा आता है जब हिंगोट युद्ध होता है, तो हिंगोट तैयार करने के लिए समथिंग 20-25 दिन का टाइम लगता है। एक फल रहता है, फल को तैयार किया, फल है इसको तो ये नींबू जैसा फल रहता है, इसको छीलना पड़ता है, इसमें छेद होता है 10 से 10 छेद होता है। उसके बाद इसमें बारूद भर के उसको बांस की क्रीप लगा कर उसको बांधते हैं और फिर यहाँ से जला के इसको फेंकते हैं। कितने लोग इस युद्ध में लड़ते हैं, कैसे आप आयोजन करते हैं? समथिंग 2 दल रहते हैं, एक पूरा एक कलंगी, 100-150 उधर रहते हैं, 100-150 सामने रहते हैं और आपस में होता है ये खेल। पड़वा के दिन खेला जाता है, दिवाली के एक दिन बाद। ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। नवरात्रि खत्म होने के बाद योद्धा इसे जंगलों से झाड़ से तोड़ के लाते हैं। ये एक नींबू प्रकार का नींबू जैसा फल होता है, इसको लाते हैं, फिर इसको ये छोटी सार है, ये छेद वाला है, इसको छोटा छेद करवा के फिर इसको छीलते हैं हाथ से। हाथ से छीलने के बाद इसको वापस उसी सार वाले के ये बड़ा वाला छेद करवाते हैं जिससे इसके अंदर से बारूद जाता है। फिर इसके बाद इसको घर वापस घर लाते हैं, फिर गिर इसके अंदर से जो इसका गिर रहता है वो निकालते हैं, काड़ियों वगैरह संटी वगैरह से निकालते हैं। उसके बाद इसको खोखा बनाते हैं बिल्कुल एकदम अंदर जिससे बारूद जा सके। बारूद जाने के बाद इसको फिर बारूद तैयार करते हैं घर पर, गंधक सोडे वगैरह जो भी हमारी प्रक्रिया जो हमारे पूर्वजों ने परंपरा द्वारा हमारा बताया गया है कि इस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से हम सभी योद्धा मिलकर सामान लाते हैं और उससे बारूद बनाते हैं। बारूद बनाने के बाद हम इसको बारूद को अच्छे हाथ से कंप्लीट करते हैं जिससे कि इससे कोई कण या कोई दुर्घटना हमारे साथ नहीं हो। एक करके इसको हाथ से बनाते, कोई मशीन मिक्सर वगैरह का उपयोग नहीं करते क्योंकि उसमें आग लगने का संभावना रहती है जैसे हमारे पूर्वज ने बता चुके हैं। और उसके बाद हम इसमें बारूद भरते हैं और वह ठासनी रहती है उससे हम बारूद भरते हैं, पिस्टिंग वगैरह रहती है, यह पिस्टिंग रहता है, इसे हम ऐसे करके इसको पूरा भर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद पीली रहती है,
पिली का रख के इसको मारते हैं, ये पिली का डांट लग जाता है। उसके बाद एक बांध रहता है जो बांस से बनता है, ये वाला, ये बांस, इसके यूँ यूँ करके धागा लपेट के फिर उसके बाद थोड़ा सा फेमिकिक लगा देते हैं जिससे हिले डुलते नहीं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इससे टिपकी लगती है और ये हम योद्धा हम इंगोट युद्ध में ले जाते हैं। कितने इंगोट आप अपने साथ लेके जाते हैं और किस तरह एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं? हमारे पूर्वज बताते हैं कि ज़्यादा हिंगोट ले जाना भी खतरा है, क्योंकि झोले में कभी आग लगती है तो फिर अपनी जानी जनहानि होती है, इसलिए हम सिर्फ 100 हिंगोट 50 हिंगोट ले जाते हैं, अदर हिंगोट दो झोले में ले जाते हैं ताकि हमारी जान को खतरा नहीं हो, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में ले जाते हैं। झोले में जब अतोड़ते हैं तो 25 या 30 50 हिंगोट इससे ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि इसमें खतरा रहता है पास में रखने से, इसलिए ले जाते हैं इसको युद्ध में। और हम सभी मित्र एक मित्रता की भावना से इसको खेलते हैं, ना कि दुश्मनी की, कोई हमारा ऐसा मकसद नहीं रहता कि इसी को मारना है, ये हमारा सिर्फ ऐसा है कि हमारे पूर्वज बता चुके हैं कि देवनारायण भगवान में मंदिर में दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद आते हैं, फिर हम मित्र हाथ एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं और फिर वहाँ से युद्ध प्रारंभ करते हैं।